नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 11 सितंबर। चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार में कोविड 19 प्रभावितों की संख्या पहुंची 1,53,000 के पार। बिहार में कोविड 19 प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बीते दिन 24 घंटे में 1,543 नए मरीजों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद बिहार में प्रभावितों की संख्या 1,53,735 पर पहुंच गई है। अगर हम प्रभावित जिलों की संख्या की बात करें तो अररिया में 67, अरवल में 7, औरंगाबाद में 21, बांका में 28, बेगूसराय में 28, भागलपुर में 96, भोजपुर में 23, बक्सर में 25, दरभंगा में 45, पूर्वी चंपारण में 27, गया में 23, गोपालगंज में 52, जमुई में 15, जहानाबाद में 34, कैमूर में 22, कटिहार में 80, खगड़िया में 18, किशनगंज में 30, लखीसराय में 33, मधेपुरा में 27, मधुबनी में 63, मुंगेर में 20, मुजफ्फरपुर में 72, नालंदा में 47, नवादा में 23, पटना में 202, पूर्णिया में 92, रोहतास में 46, सहरसा में 33, समस्तीपुर में 29, सारण में 35, शेखपुरा में 11, शिवहर में 10, सीतामढ़ी में 16, सिवान में 17, सुपौल में 29, वैशाली में 29, पश्चिम चंपारण में 62। वहीं स्वास्थ्य विभाग तरफ से मिली जानकारी के अनुसार कुल मिलाकर 1,37,271 मरीज ठीक हो चुके हैं, वहीं 785 लोगों की जान जा चुकी है। बीपीएससी बिहार सेवा पीटी परीक्षा की निकली तारीख। बिहार 31वीं न्यायिक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा की तारीख की घोषणा कर दी गई है। 31वीं बिहार न्यायिक सेवा की प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा अब 7 अक्टूबर को आयोजित करवाई जाएगी, जिसके लिए बीपीएससी की परीक्षा नियंत्रक ने सूचना जारी कर दी है। बीपीएससी की वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर इस परीक्षा से संबंधित जानकारी आसानी से ली जा सकती है। इतना ही नहीं, यह परीक्षा की संभावित तारीख है। जल्द ही परीक्षा के आयोजन की आधिकारिक तारीख की घोषणा कर दी जाएगी। आपको बता दें, 31वीं बिहार न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर 221 पदों पर सिविल न्यायाधीश का चयन होना है। 12 सितंबर को दरभंगा और देवघर एयरपोर्ट की तैयारियों का जायजा लेने जाएंगे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी बिहार के दरभंगा झारखंड के देवघर में एयरपोर्ट का 12 सितंबर को दोनों जगहों पर दौरा करने के लिए जाने वाले हैं। भारतीय विमानन प्राधिकरण इंदौर एयरपोर्ट को विकसित करने का काम हो रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही यहां से विमान उड़ान भरने लगेंगे। वहीं हाल ही में दरभंगा के सांसद गोपाल ठाकुर ने भी केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह से मुलाकात की थी, जहां पर उन्होंने बताया कि दरभंगा से यथाशीघ्र हवाई सेवा प्रारंभ करने पर बातचीत जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्णिया की बेटी मोनिका के काम से प्रसन्न होकर किया ट्वीट। बिहारियों की चर्चा हर मोर्चे पर आए दिन सुनने में मिल जाती है। इसी क्रम में बिहार में पूर्णिया के रहने वाली महिला पशुपालक मोनिका भारती को काम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी प्रसन्न नजर आए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने 2 घंटे के कार्यक्रम में पूर्णिया की महिला पशुपालक मोनिका भारती से बातचीत भी की है। और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने न केवल मोनिका का उत्साह बढ़ाया, बल्कि मोनिका का जिक्र करते हुए उन्होंने ट्वीट भी किया, जहां उन्होंने लिखा कि पूर्णिया की मोनिका भारती जी ने ससुराल में न सिर्फ अपनी शिक्षा पूरी की, बल्कि पशुपालन के जरिए अपने परिवार को भी संभाला है। उन्होंने गाय पालन और साथ ही साथ जिस प्रकार उन्होंने आत्मनिर्भरता का मंत्र फूंका है, वो हर किसी के लिए एक मिसाल है। सरकारी अस्पताल को जल्द ही सामान्य चिकित्सकों की मिलेगी सौगात। राज्य के अनुमंडल और पीएचसी अस्पतालों में जल्द ही और डॉक्टरों की नियुक्ति करवाई जानी है, जिससे आम नागरिकों को बेहतर चिकित्सा व्यवस्था आसानी से मुहैया होगी, जिसकी जानकारी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने खुद दे दी है। जिसके तहत उन्होंने कहा है कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग की तरफ से 3,186 सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी का रिजल्ट प्रकाशित किया जा चुका है। जल्द ही इन चयनित चिकित्सकों की नियुक्ति जिला और अनुमंडल अस्पताल के अलावा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और दूसरे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर की जाएगी। हालांकि एक बार में इतने चिकित्सकों की नियुक्ति की प्रक्रिया का संपन्न होना भी उन्होंने काबिल-ए-तारीफ बताया है। बिहार के 7 एएसपी का हुआ तबादला। बिहार में 7 एएसपी अभियान का ट्रांसफर किया गया है, जिसमें गृह विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। कुमार आलोक को नवादा एसपी से बदलकर वैशाली अपर पुलिस अधीक्षक के पद पर पदस्थापित कर दिया गया है। इसके साथ ही दुर्गेश कुमार को रोहतास में स्थानांतरित कर औरंगाबाद भेज दिया गया है। राजेश कुमार सिंह को अपर पुलिस अधीक्षक से ट्रांसफर कर गया का अपर पुलिस अधीक्षक के पद पर पदस्थापित किया गया है। इसके साथ ही सत्यप्रकाश मिश्रा को नालंदा से रोहतास, हिमांशु शेखर गौरव को मोतिहारी से नवादा, सूर्यकांत सिंह को वैशाली से नालंदा और कुमार ओम प्रकाश सिंह को अपर पुलिस अधीक्षक मोतिहारी के पद पर पदस्थापित कर दिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस आज पहुंचेंगे बिहार। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। इसी क्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार के चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस आज पटना पहुंचने वाले हैं, जहां वो लगातार 4 दिनों तक बिहार में रहेंगे और कई कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। वो आरा, गया, पूर्णिया और कटिहार में जाएंगे। देवेंद्र फडणवीस 11 सितंबर को दोपहर 1 बजे पटना पहुंचेंगे, जिसके बाद प्रदेश कार्यालय में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करने वाले हैं।
उत्तर बिहार के जिलों में अभी भी नहीं बढ़ पा रही औद्योगिकी उत्पादन। उत्तर बिहार के औद्योगिकी परिसर में अभी भी उत्पादन रफ्तार नहीं पकड़ पा रही है। मुजफ्फरपुर के बेला, बेतिया और कुमारबाग औद्योगिकी क्षेत्र में अभी भी सन्नाटा पसरा हुआ है। बेला के उद्यमी भारत भूषण ने हिंदुस्तान मीडिया से बातचीत के दौरान बताया है कि अधिकांश कारखानों में उत्पादन घटने से कई तरह की परेशानी उत्पन्न हो गई है। लागत बढ़ गई है, लगातार बाजार में मंदी के कारण कीमत बढ़ने की स्थिति में है। समस्तीपुर में धीरे धीरे औद्योगिकी माहौल को सुधारने की कोशिश की जा रही है। अगर केंद्र सरकार की तरफ से घोषित की गई योजनाओं का क्रियान्वयन ठीक से नहीं हो पा रहा है तो उद्यमियों को इससे कोई लाभ नहीं मिल रहा है। बिहार पुलिस के डिजिटल डेटा को सुरक्षित रखने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जारी की राशि। बिहार पुलिस के CCTNS से जुड़े तमाम डेटा को सुरक्षित रखने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राशि जारी कर दी है। इसके तहत तमाम तरह के डेटा भुवनेश्वर में सुरक्षित रहेंगे। किसी भी परिस्थिति में डिजिटल डेटा को सुरक्षित रखा जा सकेगा, इसके लिए भुवनेश्वर में डिजास्टर रिकवरी सेंटर स्थापित किया जा रहा है। जल्द ही काम शुरू किया जाएगा। रिकवरी सेंटर पर होने वाले सालाना खर्चे के लिए बिहार सरकार ने 54 लाख रुपए भी जारी कर दिए हैं। स्टेट सेंटर में डेटा खत्म होने के बाद भी किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। पुलिस जुड़ा सभी तरह का डेटा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सर्वर पर मौजूद रहेगा। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे रविभूषण भारती की। रविभूषण भारती बॉलीवुड के अभिनेता हैं और रविभूषण पुरस्कार से सम्मानित भी किए जा चुके हैं। पान सिंह तोमर एवं फिल्मिस्तान फिल्म में अभिनय उन्होंने किया है। भारतीय फिल्मकार विप्लव मजूमदार की आने वाली फिल्म शी द मूवी में भी मुख्य भूमिका में नजर आने वाले हैं। मिली जानकारी के अनुसार रविभूषण भारतीय फिल्म के अभिनेता रह चुके हैं, जिनका जन्म बिहार के पूर्णिया जिले में हुआ था। उन्होंने जवाहर नवोदय विद्यालय पूर्णिया से स्कूलिंग शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री ली थी, जिसके बाद उन्होंने पुणे में अभिनय की शिक्षा ली। रविभूषण भारतीय ने अभी तक साल 2015 तक कई फिल्मों में काम किया है, जिसकी शुरुआत उन्होंने पान सिंह तोमर से की थी। उसके बाद उन्होंने फिल्मिस्तान दबंग 2 और शी द मूवी में काम किया है। हाजीपुर से वैशाली तक जाने के लिए यात्रियों को जल्द ही सरकार देगी बड़ी सौगात। हाजीपुर सुगौली नई लाइन पर हाजीपुर से वैशाली तक ट्रेन से सफर करने का सपना जल्द ही पूरा होने वाला है। इस ट्रैक पर ट्रेन के परिचालन शुरू करने से पहले एक बार फिर से बीते दिन सवारी गाड़ी का ट्रायल लिया गया। हाजीपुर सुगौली को जोड़ने का सपना जिसके बाद जल्द ही पूरा होता नजर आ रहा है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, साल 2004 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस योजना का शिलान्यास किया था। रघुवंश प्रसाद सिंह के इस्तीफे से सकते में है राजद। राजद के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने आखिरकार पार्टी को अलविदा कह दिया, जिसके तहत रघुवंश प्रसाद सिंह ने बीते दिन एक सादे कागज में लिखकर अपना इस्तीफा राजद कार्यालय को सौंप दिया, जहां उन्होंने लिखा कि राजद ने 32 साल तक रहे, इस दौरान उन्हें पार्टी में बहुत प्यार मिला, लेकिन अब साथ देना संभव नहीं है। हालांकि उनके इस खबर के बाद पूरा लालू परिवार सकते में है। वहीं रघुवंश प्रसाद की चिट्ठी पर लालू प्रसाद यादव ने जवाब देते हुए कहा है कि आप कहीं नहीं जा रहे हैं, समझ लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के बाद उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कही अहम बात। उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से 294 करोड़ से ज्यादा के विभिन्न योजनाओं के उद्घाटन शिलान्यास के बाद अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस पहल से बिहार में एक साथ नीली और श्वेत क्रांति की गति तेज होने के साथ करोड़ों किसानों की आमदनी दोगुनी होने वाली है। सुशील मोदी ने कहा कि यही विभाग है जो कभी पूरी दुनिया में पशुपालन घोटाले के लिए चर्चा में बना रहता था। कोई इस विभाग का मंत्री नहीं बनना चाहता था। साल 2006 में इस विभाग का बजट मात्र 72 करोड़ था, जो कि 2019 में 16 गुना बढ़कर 1178 करोड़ कर दिया गया है। बिहार को जल्द ही मिलेगा अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल। बिहार की राजधानी पटना के लोगों को जल्द ही अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल यानी कि ISBT की सुविधा मिलने वाली है। मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल्द ही इसका उद्घाटन करने वाले हैं। 339 करोड़ से अधिक रुपए की लागत में इस ISBT को तैयार किया जाएगा। फिलहाल बिहार का सबसे बड़ा बस अड्डा मीठापुर में मौजूद है, लेकिन ISBT के शुरू होने से पटना को जाम से निजात मिलेगी। साथ ही बाहर से पटना आने वाले लोगों को भी किसी तरह की कोई मुश्किल नहीं होगी। पटना हाईकोर्ट में 1441 पदों पर जल्द होगी बहाली। पटना हाईकोर्ट में जल्द ही बंपर बहाली होने वाली है। मिली जानकारी के अनुसार पटना हाईकोर्ट की तरफ से मांग और मुख्य न्यायाधीश के प्रयास के बाद कई पदों पर बहाली के लिए राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है, जिसके बाद उच्च न्यायालय के तकरीबन 1441 पदों पर बहाली का रास्ता साफ कर दिया गया है, जिसके तहत पटना हाईकोर्ट की तरफ से की गई मांग और मुख्य न्यायाधीश के प्रयास से राज्य कैबिनेट ने पटना हाईकोर्ट के एस्टैब्लिशमेंट के लिए क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 और क्लास 4 के पदों पर अनुमोदन किया है। नीट परीक्षार्थियों के लिए 12 सितंबर से रेलवे करेगी कई ट्रेनों का परिचालन। JEE परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों की परेशानी को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने अपनी तरफ से ट्रेनों के परिचालन की अनुमति दे दी थी। वहीं अब नीट परीक्षा के आयोजन के लिए भी रेलवे पूरी तरीके से तैयार है, जिसके बाद अब छात्रों को सेंटर पर जाने में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। रेलवे ने उनकी सुविधा के लिए 02024 02023 पटना हावड़ा पटना जनशताब्दी स्पेशल ट्रेन का परिचालन करने का फैसला लिया है। पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी राजेश कुमार ने इस बात की जानकारी
जानकारी दे दी और बताया है कि 13 सितंबर से आयोजित होने वाले नीट परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 12 सितंबर से इस ट्रेन का परिचालन करवाया जाएगा, जो कि पटना और झाझा के बीच चलाई जाएगी। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के सातवें चरण के लिए आवेदन की प्रक्रिया आज से होगी शुरू। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत सातवें चरण के लिए 11 सितंबर से पंचायत स्तर पर आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिसके बाद 31 अक्टूबर 2020 तक पंचायत स्तर पर आवेदन किया जाएगा। वहीं 24 नवंबर 2020 को अंतिम चयनित सूची जारी की जाएगी, जिसके लिए परिवहन विभाग ने शेड्यूल जारी कर दिया है। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया है कि ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार युवक युवतियों ने इस योजना के प्रति उत्साह एवं सकारात्मक परिणाम को देखते हुए निर्धारित लाभुकों की संख्या के लक्ष्य को बढ़ाया गया था, जिसे ज्यादा से ज्यादा इच्छुक लोग लाभ उठा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सौगात पर गिरिराज सिंह ने दी अपनी प्रतिक्रिया। भाजपा के बड़बोले नेता गिरिराज सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बिहार को दिए गए सौगात पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को मत्स्य पशुपालन और कृषि विभाग से जुड़ी 294 करोड़ की उनकी योजनाओं पर सौगात दिया है, जिससे मत्स्य संपदा योजना से 55 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। 5 साल में अतिरिक्त 70 लाख टन मछलियों का उत्पादन हो सकेगा। इसके साथ ही यह मछली के एक्सपोर्ट को दोगुना बढ़ाकर 1 लाख भी कर दिया जाएगा। IIT पटना में फिर से दिखेगी छात्रों की चहलकदमी। IIT पटना में एक बार फिर से छात्रों की चहलकदमी देखने को मिलेगी। अनलॉक 4 के शुरुआत होने के बाद ही शिक्षण संस्थान को खोलने की प्रक्रिया बिहार में शुरू की जा रही है। इसी क्रम में IIT पटना ने भी कैंपस में छात्रों को बुलाने की तैयारी शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि कैंपस में इसी महीने के अंत में छात्रों को बुलाने का काम शुरू किया जाएगा। हालांकि उन्हें 14 दिनों तक हॉस्टल में क्वारंटाइन किया जाएगा। फिलहाल DSW मनोरंजन कुमार ने इस काम से जुड़े रिसर्च स्कॉलर को ही फिलहाल प्रवेश दिया जाएगा, जिसके लिए कैंपस में 100 कमरे तैयार किए गए हैं, जहां बाहर से आने वाले PhD स्कॉलर और छात्र को बारी बारी से रखा जाएगा। विधानसभा चुनाव से पहले ही जदयू राजद में हुई भिड़ंत। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले ही जदयू और राजद एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए हैं। माना जा रहा है कि राज्यसभा का उपसभापति इस बार बिहार से होने जा रहा है, क्योंकि NDA और विपक्ष की तरफ से बिहार के नेताओं को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया गया है। NDA की तरफ से जदयू नेता हरिवंश को उपसभापति का उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं दूसरी तरफ राजद ने अपनी तरफ से मनोज झा को मैदान में भेज दिया है। वहीं मनोज झा ने भी बीते दिन नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया है, जिसके बाद राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव सत्र के पहले दिन होने की उम्मीद जताई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार में वर्चुअल संवाद पर कांग्रेस ने लगाए आरोप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बीते दिन 294 करोड़ का शिलान्यास उद्घाटन किया गया था, जिसके बाद राजनीति एक बार फिर से शुरू हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार कांग्रेस के विधानमंडल दल के नेता सदानंद सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्घाटन पर तंज कसते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 294 करोड़ की घोषणा चुनावी लॉलीपॉप है। 2015 में की गई 125,000 की घोषणा जैसा ना हो जाए। उन्होंने आगे कहा कि 15 लाख देने के बाद भी जुमलेबाजी निकली। सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री को सिर्फ चुनावी सीजन में ही की याद क्यों आती है, पूरे साल बिहार से गायब क्यों रहते हैं। बॉलीवुड अभिनेता अली खान ने राजनीति में ली एंट्री। बॉलीवुड की गलियों में अपने अभिनय का परचम फहराने के बाद अली खान ने राजनीति में एंट्री ले ली है। बॉलीवुड के चर्चित फिल्म खुदा गवाह समेत कई फिल्मों में काम कर चुके अभिनेता अली खान ने आगामी विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरने की इच्छा जाहिर की है। वहीं अपने पैतृक गांव शेरघाटी विधानसभा से राजद पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। अली खान के अनुसार राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने उन्हें शेरघाटी विधानसभा के लिए अपना आशीर्वाद दिया है, जिसके बाद वो खुश है। वहीं बिहार की राजधानी पटना से लौटने के बाद वो एक होटल में मीडिया से रूबरू होने वाले हैं, जहां वो अपनी तैयारियों को पेश करेंगे। परेश रावल बने NSD के नए प्रमुख। बॉलीवुड अभिनेता और भाजपा के पूर्व सांसद रह चुके परेश रावल को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है, जिसकी जानकारी केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने ट्वीट करके दी है। प्रहलाद सिंह पटेल ने इस बाबत ट्वीट करके लिखा है कि प्रख्यात कलाकार परेश रावल को महामहिम द्वारा NSD का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनकी प्रतिभा का लाभ देश के कलाकारों एवं छात्रों को जरूर मिलेगा, हार्दिक शुभकामनाएं। वहीं दूसरी तरफ NSD के अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर परेश रावल ने राष्ट्रपति महोदय का धन्यवाद व्यक्त किया है। स्टीव स्मिथ ने वर्तमान समय में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ वनडे बल्लेबाज के नाम का किया खुलासा। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी स्टीव स्मिथ ने वर्तमान समय में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ वनडे बल्लेबाज का नाम बताया है, जिसके तहत उन्होंने इसमें भारतीय कप्तान विराट कोहली का नाम लिया है। विराट कोहली की पारियों को देखते हुए स्टीव स्मिथ ने सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज के तौर पर उन्हें चुना है। आपको बता दें, उक्त बातें स्टीव स्मिथ ने इंस्टाग्राम पर अपने प्रशंसकों से बातचीत के दौरान कही है। ऑस्ट्रेलियाई टीम शुक्रवार को मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज का पहला मैच खेलने वाली थी। वनडे सीरीज कप के बाद पहली बार आमने सामने होगी, तो उन्होंने विराट कोहली का नाम लिया है।
गूगल असिस्टेंट के टॉप 3 फीचर आपकी जिंदगी को बना सकते हैं काफी ज्यादा आसान। आप में से शायद ही कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास स्मार्टफोन फिलहाल मौजूद नहीं होगा। यदि आपके पास फोन है तो आप गूगल असिस्टेंट के 3 फीचर का इस्तेमाल करके कई बदलाव ला सकते हैं, जिसके तहत आप गूगल असिस्टेंट का इस्तेमाल करने से पहले आपको गूगल असिस्टेंट को ऑन करना होगा। ऑन करने के लिए फोन को अनलॉक करें, इसके बाद होम बटन को थोड़ी देर दबाकर रखें और ओके गूगल कहे। इसके बाद आपको ऊपर की तरफ मौजूदा प्रोफाइल फोटो पर क्लिक करना होगा और सेटिंग में असिस्टेंट के विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद आपके फोन का चुनाव करें और इसके बाद गेट स्टार्टेड पर क्लिक करके गूगल असिस्टेंट को ऑन कर सकते हैं। इसके बाद गूगल असिस्टेंट बड़े से बड़ा कैलकुलेशन करने में, साथ ही कई बड़े सवालों का जवाब आसानी से देने में भी आपकी मदद करेगा, वो भी आपके अपने भाषा में। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है प्रमोद कुमार, अरविंद प्रसाद, अशफाक राज, अमर उजाला, रंजन कुमार, दिव्यांशु कुमारी, प्रदीप कुमार, गौतम मांझी, ओमकार सिंह, रवि रंजन कुमार, रुपेश कुमार, गोपाल कुमार, सरस कुमार, शिवम सौरभ, वसीम, मनीष कुमार, रंजन कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार क्रिकेट के इतिहास में अब तक का बेहतरीन बल्लेबाज कौन रहा है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।